ओ क्या व्यू है भाई, ये देखो उनका व्यू भी अलग है पूरा देख। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपल्स का और आज एक्सपल्स राइड कर रहा हूँ मैं। ये क्या बात है, क्या बात है, फीलिंग्स क्या है। वाह इतना स्मूथ चल रहा है बिल्कुल ऐसा, और ये एक्सपल्स निकल गई। ये आहास खड़े होने के बाद ये फीलिंग आ रही है। आज है रिपब्लिक डे, हॉलीडे राइड बोल सकते हैं इसको, और मैं हूँ और साथ में विजय भाई हैं, और ये विजय भाई की एक्सपल्स है और जो बनी ऑफ रोडिंग के लिए है, और ये नमन भाई है साथ में, नमन भाई की केटीएम है। तो ये लेपर्ड ट्रेल है और ये पूरी ऑफ रोडिंग है जो कि एक एक्सपल्स है ऑफ रोडिंग के लिए, और एक हमारे पास है केटीएम और मेरी है होंडा शाइन। तो विजय भाई लीड करेंगे आगे और फिर बीच में अपने नमन भाई और लास्ट में मैं। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं व्यू, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। चले चलो चलो चलो, तो अब चलते हैं यहाँ से, चलो चला भी करो। तो अभी नमन भाई रास्ता तो बिल्कुल मतलब जैसे पहाड़ों का रास्ता होता है ऑफ रोड। मैं पहली बार अपनी होंडा शाइन को लेकर जा रहा हूँ और आज जैसे कि रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो आगे तो आगे आगे, तो अभी नीचे से थोड़ा हम लोग ऊपर आ चुके हैं और बस धीरे 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 तो में चल रहा है। आपने देखा ये क्या बात है। वैसे एक्सपल्स ने प्रूफ कर दिया कि ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, क्योंकि जिस तरीके से आप निकल रहे हो ना आगे बिल्कुल स्यूं। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपल्स का और आज एक्सपल्स राइड कर रहा हूँ मैं। एक नीचे पीछे की तरफ आगे की तरफ, अच्छा एक नीचे, ठीक है। ये क्या बात है, क्या बात है, फीलिंग्स क्या है। वाह इतना स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि चल रही है ऊपर खाबड़ रास्तों में। तो ये बात क्या बात है, क्या बात है। ये आहास खड़े होने के बाद ये फीलिंग आ रही है तेरी। ट्रेल ऑफ रोड, चारों तरफ जंगल, छोटे छोटे पहाड़, और ये थोड़े थोड़े से ऊपर खापड़ से रास्ते, ये पूरा ऑफ रोड को बनाते हैं। और ये लोग जंगल से लकड़ियाँ काट रहे हैं, ठंड का टाइम है, और ठंड के टाइम में तो मुझे तो सच में फीलिंग आ रही है चलाने में, मज़ा आ गया बिल्कुल। एक बार क्रॉस हो जाएं सब, उसके बाद लेके चलते हैं। कुछ नहीं व्यू ले लूं गाड़ी का। कांटे भरे रास्ते हैं,
सकते हो कि बीच में पानी भरा हुआ बारिश की वजह से। तो अभी एक्सपल्स की फीलिंग नमन भाई लेंगे, तो अभी नमन भाई ले रहे हैं एक्सपल्स का राइड। वाओ, केडीएम भी अपनी जगह है ना, केडीएम की फीलिंग अलग ही फीलिंग है। और मेरी जो गाड़ी है वो पूरे धुएं दे रही है दबा के बिल्कुल, क्योंकि उसके उसका जो इंजन है इंजन काम मांग रहा है। और केडीएम वाली फीलिंग बिल्कुल मक्खन जैसी लग रही है। ये थोड़ा सा जहरीला रास्ता आया कीचड़ वाला, फिर से अपनी धंधों पे आ गया हूँ और एक्सपल्स चला के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे एक्सपल्स चला के, क्योंकि ये एक्सपल्स का जो सस्पेंशन है बहुत ज़बरदस्त है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, ऊबड़ खाबड़ वाली फीलिंग ही नहीं आएगी आपको बिल्कुल। और मतलब हीरो की एक्सपल्स को मैं ऐसे देखने में तो मुझे बहुत हल्की लग रही थी, बट हैवी गाड़ी है। मेन रास्ते चलो, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये सब मिलेगा आपको ऑफ रोड में। ऑफ रोड के लिए आपकी एक्सपल्स अच्छी गाड़ी है, एक्सपल्स के अलावा फिर हिमालयन आ गई, काफ़ी गाड़ियाँ हैं आजकल मार्केट में, लोगों के पैसन के ऊपर, लोगों के शौक के ऊपर वो गाड़ियाँ बन रही हैं। सुनसान है यहाँ पे, कोई नहीं है, पीछे तो कुछ लोग दिखाई भी देते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे लेपर्ड दिखने का चांस है और लेपर्ड दिख सकता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आगे पीछे देख के चलना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ पे लेपर्ड दिखा हुआ है, आप यूट्यूब में वीडियो वगैरह का सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पे लेपर्ड कई बार लोगों ने देखा हुआ ऊपर जाते हैं। मैं मांगर में गया था, मांगर में लेपर्ड बहुत ज़्यादा है, मांगर में, और वहाँ पे मैंने लेपर्ड देखा था, लेपर्ड देखा था, लेपर्ड के पैरों के निशान देखे थे मैंने। तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे चारों तरफ कहीं से लेपर्ड आएगा भागता हुआ और सीधा अटैक, चारों तरफ जंगल है। तो ये है मेरी सुनहरी, इनका नाम मैंने उसे टाइगर रखा हुआ था। तो अभी विजय भाई आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं, मतलब यहाँ भी लोगों की गाड़ियों के कांच के शीशे फूटे हुए हैं। तो ये आ गए विजय भाई, चलते रहो। और ये पीछे आ रहे हैं नमन भाई, तो हम भी चलते हैं आगे।
हर बार ऐसा रोड आता है, एक लेफ्ट जाता है, एक स्ट्रेट जाता है, एक राइट जाता है, तो यहाँ आगे हम रुक जाते हैं क्योंकि आगे का रास्ता हमें पता नहीं है। उसका रास्ता पता है विजय भाई को, तो अभी वो आएंगे, पहले आगे वो लीड कर रहे थे, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे हो गया उनसे और अब वो बताएंगे इधर को जाना है या इधर को जाना है। ये देखो चारों तरफ जंगल है, रोड भी नहीं है, तो उस रोड से हम निकल रहे हैं और एक यहाँ एक प्यारा सा व्यू वाला एक लेक आया हुआ है, ये बस सोचा कि दिखा दें आपको। और ये जानवरों को पानी पीने के लिए, लेकिन ये पानी इसमें बरसात का ही पानी आएगा, और तो कोई पानी ना तो कोई पंप लगा है ना कोई मोटर लगा हुआ है, तो चलते हैं। आगे चले गए, नमन भी आगे निकल गए, मैंने राइट व्यू ले लिया सिर्फ दिखाने के लिए आपको। मम्मी ने ग्लव्स वगैरह सब साफ कर दिया, तो आज मैं ग्लव्स भी नहीं पहन पाया। ओ हाँ दिख गया, देखिए फ्रेश टायर भी दिख गया मुझे। ओहो क्या व्यू है भाई, ये देखो उनका व्यू भी अलग है पूरा, देखना कैसे। ओह माय गॉड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है क्योंकि एनर्जी कैंप लगता बदल रही है। ये है हमारी सुनहरी ऑफ टाइगर, तो टाइगर को जंगल की सैर बहुत करवा दी है, तो अब निकलेंगे बाहर यहाँ से। अब थोड़ा सा रास्ता सही दिख रहा है, अदरवाइज पत्थर ही पत्थर पत्थर पत्थर। तो गैंग लेफ्ट देगी राइट ऑफ, ऑफ बॉडिंग, ओह माय गॉड, ये तो ऑफ बोर्डिंग है। और ये मेरी गाड़ी फिसल ना जाए, यहाँ पे है पूरी लाल मिट्टी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन कपड़े गंदे हो जाएंगे। रुको रुको रुको, साइड हो जा, अरे आओ ना, एक पल्स। नमन इधर से भाई, इधर से झाड़ियां उधर से बहुत इजी, उधर प्लेन रास्ता है नमन भाई, उधर से ले आओ, उधर प्लेन है उधर, बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है वहां, सही निकल जा रही है। अरे सही, क्या जबरदस्त गाड़ी है ये, यही ले ले, ये बजट में भी है, बजट की भी है ये। कैसा है, स्वाद लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसका, मस्त। ऑफ ऑफ रोड की रानी, हाँ सीरियसली मज़ा आ गया भाई। तो एक बार फिर से मैं एक्सपल्स की फीलिंग लेने वाला हूँ दोबारा से, और विजय भाई मेरी सुनहरी पे आ गए हैं, और भाई की KTM चल रहे हैं, चलो एकदम स्मूथली खड़े हो जाओ, ये पता नहीं चल रहा है बिल्कुल, ऐसे देख रहे हो।
निकल गई। Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. सदर मार्केट गुड़गांव और यहाँ पे एक फेमस है जैन कचौड़ी वाला, तो कचौड़ियाँ खाएंगे। जैन कचौड़ी का नाम तो मैंने सुना है लेकिन अभी जाके काफी लोगों से नाम सुना हुआ जैन कचौड़ी का। इसी गली में आ गया सर, आगे से लेफ्ट लेफ्ट लेके सामने आ गया जो। अच्छा तो ये कचौड़ी है ना, ये कचौड़ी है फेमस जैन, मोनू जैन की कचौड़ी है। और ये है पूरी सब्जी, दो पूरी और मिलेंगी वो ले लीजिए। इसके बाद दो पूड़ियाँ गर्म गर्म और मिलेंगी, क्योंकि इकट्ठी दे देंगे मज़ा नहीं आएगा। चार पूरी तीन प्लेट में लेके राम का नाम शुरू। तो नाम तो मैंने सुना था कहीं खा, फर्स्ट टाइम रहा हूँ। तो भैया भाई करें शुरू फिर ना। तो भाई ऑफ रोडिंग करने के बाद ये गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी का एंजॉय लेते हैं। अभी कचौड़ी हमने खा ली यहाँ से जैन कचौड़ी, अब यहाँ चलेंगे सरदार जी की जलेबी, जो जिस जलेबी की बात कर रहा था मैं, तो चलते हैं जलेबी खाते हैं फिर वहाँ पे और मिलते हैं फिर निकलेंगे घर। जलेबी की बात कर रहा था मैं, ये है सरदार जी की फेमस जलेबी और ये शॉप्स हैं यहाँ पे, यहाँ इनकी शॉप है नमन। अभी भाई कहीं गए हुए हैं, उनकी जलेबी ठंडी हो जाएगी जब तक हम लोग इंजॉय करते हैं। विजय भाई कितने सालों से खा रहे हो जलेबी यहाँ की? पता नहीं, बचपन से देखते हैं। बचपन से तो मतलब बचपन से खा रहे हो? तो मैं पापा ले के आते थे पहले, कई बार मैंने भी खाई थी सरदार जी के नाम पे, तो मैं भी इंजॉय करता हूँ। तो ये है देसी घी वाली जलेबी है, मोटी मोटी जलेबी है, इंजॉय करते नहीं फिर मज़ा क्रिकेटा हो जाएगा। जलेबी हमने खा ली, अभी चलेंगे घर को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और चलो फिर बाय। चले सर I